यहाँ के कुछ लीडर्स हैं जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो वो ये मुद्दे नहीं उठाते हैं, वो बार बार 370 और 35A की बहाली का मुद्दा उठा लेते हैं कि ये मुद्दा हम लेकर आएंगे। क्योंकि सर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आके आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा संभव है कि कोई भी आ जाए और ये वापस आए? एक तो पॉलिटिकल पार्टीज या राजनेता चुनाव है वोट के लिए भाषण करेंगे, कर रहे हैं। मेरा केवल उसमें एक अनुरोध है कि जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे उनको कुछ बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। अब 370 और 35 भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, देश की संसद ने इसे समाप्त किया है और देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर वैधानिक मोहर लगा दी है। तो जिम्मेदार पदों पर रहे लोग या जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और मैं समझता हूं कि ये मेरी सलाह होगी। ये भले ही कुछ लीडर्स बोल रहे हो लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं जो पूर्व में मंत्री भी रहे यूपीए सरकार में, शिंदे साहब, वो ये कह रहे हैं कि अब कश्मीर आता हूं तो बड़ा सेफ महसूस होता है, अब परिवार के साथ आ सकता हूं, पहले नहीं आ पाता था। इस पर आपका रिएक्शन लग रहा है, मतलब उनको भी फील होता है? भारत के पूर्व गृहमंत्री अगर ऐसा महसूस करते हैं तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि 4-5 साल में हुए अच्छे कामों की प्रशंसा वो कर रहे हैं। सर एक चीज और, कश्मीरी पंडितों को लेकर किस तरीके का काम किया गया? क्योंकि हमने यहां पर भी कश्मीरी पंडितों से बात की और जम्मू में भी कश्मीरी पंडितों से बात की, वो कहते हैं कि अब हम बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं और हम खुश हैं कि इस 370 और 35 को कटाया गया, वरना हमने बहुत बुरे हालातों को भी देखा है। सर योजना उनके लिए बनी थी पीएम पैकेज में कुछ सरकारी नौकरी देने की और उनके लिए सरकारी घर बनाने की। फर्स्ट फेज में जब मनमोहन सिंह जी थे 3,000 नौकरी 3,000 घर और सेकेंड फेज में माननीय मोदी जी जब आए तो 3,000 नौकरी 3,000 घर। किसी न किसी बहाने नौकरी पद नहीं भरे जाते थे, घर नहीं बनाए जाते थे। अब वो मोस्टली पद भर दिए गए हैं, जो बचे हैं वो भी भरे गए थे, जैसे कहीं कोई बेटरमेंट किसी का हो गया, अच्छा जॉब पा गया तो रिजाइन कर, जो बचे हैं वो भी एडवर्टीजमेंट के लिए चले गए। जमीन नहीं दी जाती थी, अब 3,000 से ज्यादा घर बन गए हैं, बाकी भी बन जाएंगे। उनकी जो समस्याएं हैं उनका हमने, हमारे दफ्तर में ही एक ऑफिस है उनकी समस्याओं के लिए, माइनॉरिटी इम्प्लाई जो है तो मेरा ऑफिस खुद देखता है, उनकी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान किया है। उनके प्रमोशन एवेन्यूज नहीं थे वो हमने लागू कर दिया, सबके प्रमोशन करा दिए। उनकी तैनाती को लेकर के जो समस्याएं थी वो हल कर दिया, और उन्हीं का नहीं, जो यहाँ शेड्यूल कास्ट के जम्मू बेस्ड इम्प्लाईज हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान किया है। हाँ, ये वो अस्थायी रूप से बसे इसका भी इंतजाम किया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें अब नया एक आत्मविश्वास आया है कि नहीं, एक ऐसा प्रशासन है जो सबकी चिंता करता है। और जब कश्मीर की मानसिकता में भी बदलाव आया है, कश्मीर में भी एक बड़ा वर्ग है जो ये सोच रहा है कि कश्मीर बिना कश्मीरी पंडितों के अधूरा है, संस्कृति शिक्षा यहाँ के संस्कार वास्तव में कश्मीरी पंडित ही देते थे। बिल्कुल सर, हमने ये देखा भी है। और एक चीज और सर, कि इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स काफी खड़े हुए, जो अगर हम देखें आंकड़ा तो 40% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। इसको आप देखते हैं कि ये जो बदलाव हुआ इसी के कारण ये देखने को मिल रहा है? कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप से प्रश्न उठा रहे हैं कि साहब इतने उम्मीदवार कैसे लड़ गए। तो 2008 में इससे ज्यादा उम्मीदवार लड़े थे इंडिपेंडेंट, तो उसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र के पर्व में लोग भाग लें ये अच्छी बात है। आदर्श स्थिति किसी देश या प्रदेश के लिए क्या होगी? कुछ गिने चुने 3-4 लोकतांत्रिक राजनीतिक दल हों जो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े, डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव लड़े। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले बार जब 3-tier पंचायती राज सिस्टम हमने लागू किया उससे यहां के लोगों की आकांक्षाएं जागृत हुई। फंड फंक्शन और फंक्शनरी तीनों हमने पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों को ट्रांसफर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का बजट वो बनाने लगे। तो उनको लगता है कि हम जीत के आएंगे तो हमारी भी जम्मू कश्मीर के विकास में भागीदारी होगी, लोगों के मसले मसाइल हल करने में हमारी भागीदारी होगी, तो अच्छी बात है। सर ये तो भविष्य के गर्त में छिपाए सरकार किसकी बनने जा रही है, लेकिन दिल्ली में ऐसा ही हमने एक तंत्र देखा है और वहां पर क्या बोला जाता है कि भाई सरकार और एलजी के बीच में उतना समन्वय नहीं बैठ पाता है। आप क्या कहेंगे, सरकार किसी के भी आए समन्वय पूरा बनाया जाएगा क्योंकि कश्मीर के लिए और जम्मू के लिए काम करना है? दो बात समझिए, शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, पता नहीं आप उस समय पत्रकारिता में थी या नहीं थी,
केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, बहुत बेहतर तालमेल था, कभी सवाल नहीं पैदा हुआ। उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, तब भी शीला दीक्षित जी थी। तो मुझे लगता है कि अगर चुनी हुई सरकार का एजेंडा पीस प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट है, शांति विकास समृद्धि, आम आदमी की समस्याओं का समाधान, तो फिर विवाद कैसे हो सकता है। हम भी चार साल से जो काम कर रहे हैं इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, और मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी चुनी हुई सरकार आएगी जनता के हितों को ध्यान में रखकर के काम करेगी, जम्मू कश्मीर के विकास, यहां की शांति, यहां की समृद्धि को लेकर के काम करेगी, तो निश्चित रूप से 100% समर्थन मेरा उनको होगा। संवेदनशील इलाका बेशक है, अभी अभी डीसी किश्तवाड़ से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने क्रिटिकल पोलिंग बूथ बनाए हैं। सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद है, पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ रहे हैं। सज्जाद लोन का कहना है कि जीत हमारी हो गई है, कांटे की बेशक टक्कर है लेकिन जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की होगी। देखिए उनको सपने देखने दीजिए, और 8 अक्टूबर तक हमने उनको खुला छोड़ दिया है, वो दिन में भी सपने देख सकते हैं, दिन में भी तारे देख सकते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए 8 अक्टूबर न सिर्फ किश्तवाड़ के लिए, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए एक नया दिन होगा, राजनीति की नई दिशा तय होगी। जिस राजनीति में, जम्मू कश्मीर की राजनीति में दो परिवारों ने अपना दबदबा जमाया था, जिस जम्मू कश्मीर की राजनीति में दो परिवारों ने आतंकवादियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों का सहारा लेके एक कम परसेंटेज पे आज तक राजनीति की, ये पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में होगा कि जो नई राजनीति एक करवट ले रही है, जिसमें पत्थरबाजों के बगैर, अलगाववादियों और आतंकवादियों के संरक्षण के बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं को चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप यकीन मानिए कि इनको अपनी हार निश्चित दिख रही है। अभी ये कभी ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, कभी डिलिमिटेशन पे सवाल उठाएंगे, लेकिन 8 अक्टूबर तक इनको खुली छूट है, ये सपने देखने दीजिए, इनको हम रोक नहीं सकते। सुनील जी, सज्जाद लोन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जब आएगी तब देख लेंगे, उनको देखा जाएगा, तो वो क्या मतलब है उसका? जी कोमल, देखिए जब भी कभी किसी क्षेत्र में कोई विधायक मंत्री बनता है तो उस विधायक से बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती है, कोई भवन बनाएगा, कोई सड़क बनाएगा, कोई मार्ग बनाएगा जी। लेकिन बदकिस्मती है कि इस किश्तवाड़ के विधायक को जब मंत्री बनाया गया, यहाँ के किश्तवाड़ की जनता ने रास्ते नहीं देखे, सड़कें, भवन नहीं देखे, यहाँ के विधायक से उन्होंने दंगे देखे। 2013 में बींग होम मिनिस्टर यहाँ पे दंगे करवाए, और वो दोबारा से यहाँ के वोटर को धमकाना चाहता था।